Suhana Pandya, bloody spy. एक देशद्रोही, गद्दार. देखो यार, आज सिनेमाघरों के अंदर जो है एक नई इंडियन मूवी निकल के आई है जिसका नाम है उलझ, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जानवी कपूर और साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं गुलशन देवैया, जो कि एक स्पाय थ्रिलर टाइप की मूवी है. और टेंशन मत लो अगर आप लोगों ने इस मूवी के बारे में नहीं सुना, क्योंकि जिस तरीके का इसका ऑडियंस परसेंटेज सामने निकल के आने वाला है वो डेफिनेटली आपको शॉक करेगा. तो मैंने अब इस मूवी को चेक कर लिया, ये मूवी किस तरीके की, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती, क्या ये कुछ नया ऑफर करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा. बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा अलाइव 33. तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है. विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसी लड़की को जो कि एक हाई कमांड के अंदर ऑफिसर है और उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स इस तरीके के होते हैं जिसके बाद जब वो कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाती है जहां से बच के निकलना बड़ा मुश्किल है. अब किस तरीके से आगे स्टोरी प्रोग्रेस करती है विद लॉट ऑफ आई वुड से मिस्ट्री, थोड़ा बहुत सस्पेंस एंड हल्का फुल्का ट्विस्ट एंड टर्न, जिसको जानने के लिए आपको इस मूवी को चेक करना पड़ेगा, जिसका रन टाइम जो है 2 घंटे और 30 मिनट के आसपास रखा गया है. और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना बोलूंगा कि मेरे को पर्सनली ये मूवी जो है काफी हद तक एवरेज लगी है. और इस मूवी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. पहले बात करते हैं देखो इसके पॉजिटिव पार्ट की. इसका जो पहला पॉजिटिव पार्ट होगा मैं बोल सकता हूँ कि वो एक्टर जिसने इस मूवी को अपने दम पे चलाया है वो है भाई साहब गुलशन देवैया. मतलब जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, पहली बात तो आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ इतना नहीं बनता है, लेकिन जब भी ये स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपका एक इंटरेस्ट स्टोरी की तरफ, जो भी मेरे को पर्सनली थोड़ा बहुत मजा आया वो डेफिनेटली इनकी वजह से आया, उनके लिए इनको अप्रिशिएट करना बनता है. साथ में बात करते हैं देखो जिस तरीके से इसकी स्टोरी है, स्पेशली इसका सेकंड हाफ, क्योंकि पहला हाफ जो पूरी तरीके से बिल्डअप में जाता है जिसके बारे में लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से सेकंड हाफ के अंदर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं वो काफी हद तक इस मूवी को थोड़ा बहुत बचा लेते हैं. बाकी देखो जहां तक बात रही इसके प्रोडक्शन के बारे में, जिस तरीके से डायरेक्शन है इट्स ऑल लुकिंग गुड, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखो इस मूवी का जो पहला नेगेटिव पार्ट होने वाला है वो होने वाला है इसके अंदर जिस तरीके से जानवी कपूर का कैरेक्टर लिखा गया है. उनकी एक्टिंग कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस कैरेक्टर को लिखा गया है, ना तो आप उस कैरेक्टर के लिए इमोशन फील कर पाते हो, ना जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है वो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से अपने से हटाती है. चाहे आप उसके लिए इसके स्क्रीन प्ले को जो है ब्लेम करो, चाहे आप उसके लिए ब्लेम करो यहाँ पे जानवी कपूर की जो एकदम एवरेज एक्टिंग है. जिस तरीके से जानवी कपूर के अलावा इन्होंने बाकी सारे एक्टर्स को जो वेस्ट किया है, मतलब उनका स्क्रीन टाइम लिटरली इतना कम है, मतलब जो एक्टर्स इसकी स्टोरी को काफी हद तक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आपने उनका स्क्रीन टाइम लिटरली शिट कर रखा है बिल्कुल. और इसके अलावा मैं एंड में बस एक बात बोलना चाहूंगा, भाई साहब जिस तरीके से इसकी स्टोरी है, जिस तरीके से इसमें फिर से आपको एक एंगल देखने को मिलता है, आपने ऐसा पहले भी कहीं ना कहीं देखा है और इनको बहुत जरूरत है भाई साहब कुछ नया करने की. बॉलीवुड वालों को बहुत ज्यादा नीड है उस घिसे पिटे एंगल को पीछे छोड़ने की, नहीं तो ये लिटरली इतना बुरी तरीके से भाई साहब गिरने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं. मैं पर्सनली इस मूवी को रेट करूंगा 2.5 out of 5 star जस्ट फॉर गुलशन देवैया. भाई साहब जिस तरीके के वो एक्टर हैं काफी अंडररेटेड है, उनका काम डेफिनेटली अप्रिशिएट करने लायक है, लेकिन जिस तरीके की स्टोरी है वो आपका टाइम डिजर्व नहीं करती है. ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी उलझ. अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ. बाकी अगर आप लोगों ने इसे दुकान तक देख लिया है तो इस वीडियो छोटा सा लाइक करो और ऐसे और कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं ऐसे वीडियोज को लाता रहता हूँ. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33.